On 25th December 1955, community we came face to face. First man fired with the pistol at me, he missed. Then I fired, my bullet went into his chamber. Then suddenly I fired about 3 or 4 bullets in his head. The man was still standing. So I checked my gun again and then aimed at his forehead and fired. Then I saw his blood start flowing from him. He died. गोली चलने लग पी है देख के पहुंचा आंदे एमरजेंसी शुरू हो गई है कॉम्बिनेशन अटैक करने लग पे है सानू 6 जने से असी मेरा मामा तो 2 एक कृषि किसू है जैरी दे प्यो ए सी एक करतार मर गया गुरद्वारे लागे ए सी एक और सी दर्शन करतार दा पुत्तनो ये वड्डा दर्शन सिंह एक बंता सिंह हुंदा सी इहदे की 6 जने सी सानू लै गए कैंबर रोड जाके सानू रफलां फड़ातियां 100-100 गोली देती सातों चप जरिए गूठे चप्पां लवा ली पर जो मैनेजर से वह मैंने पता मैंने गोरे का नाम स्वान से मिस्टर स्वान ज जनरल मैनेजर से मिस्टर वॉकर से है उन्हें लै गया रफलां तो थोड़े दिन बाद सानू आते भी असं चुकाने सू लै गए किपों वाल गोलियां चलाने मक 1 मक 4 की रैफल और लंबिया रैफलों से 3-3 10 गोलियां पैदा मैच दस ही पैदा पानी पैदा हाथ ना पानी पैदा तो दूजिया ना उतरों लक बन लगे 100 गोली होंगे तो 50 मेषा को रख उन्होंने मैंने प्रमोशन दे के सर्जन बनाता साड़ी चौके ने बंदी उत्तर सलाम पुलिस स्टेशन होंगे असली पुलिस स्टेशन फटिया का सही थाने दे उत्थे चल गया तो मैंने आखना सुंगर तुम्हारे रोड ब्लॉक लाया कर मैं उत्थे रोड ब्लॉक जाना टैपर आते लोरी देख 2 लोरियां आदि सारे टैपर चाइनीज ही मोस्टली उदो करफ्यू हूँ 6 बजे तो बाद आने जो मैं आना मैं वेखना एक लोरी ने हौली दिन जो सू वेखना मोड़ पर जाके लै जाए उन्हें रिवर्स करके जो भजन लगा ना अच्छी गाड़ियों घेर ली तारे ना थले उन्होंने जो 3 यंग कम्युनिस्ट वाले निकले वो पहला तो बोलें जो मगर उन्होंने फिर उन्हें फिर टोपी पा ली 1 स्टॉप वेज की कम्युनिस्ट की गाने शुरू कर दैट माई फर्स्ट कैप्चर 3 बैंडिस तो मैं जंगलों आया मुड़के तो एक पुलिस आके मैंने चिट्ठी देती उस पीडी 1 सी यू इन द बेस्ट ड्रेस एट 2 o'clock शार्प इट इज ऑफिस तो वो फिर ना मैं जाके उ ऑफिस अबाउट 5 ऑफिसर्स सिटी सारे एक 2 गोरे 3 मलाई सी तो उन्हें मैंने गल् बातें पूछिया तो मैं दसी गए जवाब दे देना मैंने तो मैंने आते यू विल बी प्रमोटेड एज इंस्पेक्टर एंड यू विल बी गिवन अ स्पेशल स्क्वाड एंड बिफोर दैट ऑपरेटिंग यू विल बी सेंट टू ट्रेनिंग फॉर 1 मंथ तो फिर ना सानू पढ़न तुमकू कर दिता उन्हें कमांडर ने बहुत वधिया रिपोर्ट दी कि उस जिस दिन ट्रेनिंग मुक्की उदो सानू भी पलाते अफसर बनाता अफसर बनाता रात सर उसे किपन फिर आ गया मैंने जंगल स्क्वाड एक देता वो जंगल स्क्वाड पहले तो 12 बंदे से 12 तो फिर आते थोड़े आ 12 तो फिर एक कुलजीत सिंह बनाते एक इंस्पैक्टर एक सर्जन 3 कोपर 30 सिपाही जो वो देता तो साढ़े उतों की एक इंचार्ज गोरा बनाता एस एस रेजिमेंट तो आए कि इन्होंने ट्रेनिंग देखो जो आ जाना कैंप के एस एस रेजिमेंट मेड्रिका स्टूडियम है उत्थे एस एस रेजिमेंट और मडेका स्टूडियो नहीं सी बने एक दिन की गल है दैट वॉज 28 मार्च 1954 दैट डे वॉज एट अबाउट 4:30 PM वी वॉज कमिंग अप फ्रॉम बिल हिल टू डाउन तुरे आते जो थले उत्थे गए ना मैं तो मेरा सर्जन से मेरे नाल मैंने नहीं पिछे की हो रहा मेरे मगर किन्ने बंदे आ रहे किन्ने दिसे नहीं जो थले गए तो गोली चलने लग जब गोली चली 2 पासे तो मैं तो मेरा सर्जन वो भी लम्मा पै गया एक जो मेरा ब्रेन गन से जी ब्रेन गन रौला कम्युनिस्ट वाले ने पाया लारी यू मत्ती लाई नहीं आ रही देवता डप्पा लारी देव अबाउट 20 ओवर देम बैंडिट्स मैं ना फिर सर्जन को आख्या तू गोली चलाई जा मैं पिछों जाके ना बूटे दे फिर ब्रेन गन दी मैं बहुत गोलियां छड़ियां उदो गोली चलते चलते तो मैंने पता नहीं लगा मेरे जोली इतने पग के उत्ते लगी हुई गोली जो मैं लाया उठे वेखे तो एक मोरी पग दे जब मैं थले आया तो मेरा सर्जन चे पिता प्यार दूरा सुर कि मैं सब मूरा तो साइड पर लाकी मूरा इतना लम्मा भजन लगा और गोली इतने नहीं वजी गोडे माड़ी जी उत्ते थोड़ा जहा जख्म लाया तो साइड जरा जल लम्मा पिया से अगले और पिछों देखिए इतने माड़ी जी लकी नॉट सीरियस 16 November 1954 वी वेंट टू एरिया ऑपरेशन सुंगापुरू दीवा हॉस्पिटल सुंगापुरू कूड़ियां हॉस्पिटल वी वर ओनली सेट स्मॉल पेट्रोल एंड विद अनदर स्मॉल सेक्शन आई वाज सिटिंग एंड डिस्कसिंग विद माय सर्जेंट सडनली देयर वाज शूटिंग माय वन ऑफ माय मेन किल्ड द सेंट्री द अदर कम्युनिस्ट एस्केप्ड द सेंट्री फोर्स वाज क्वाइट फार फ्रॉम द कैंप सो वी ब्रॉट द बॉडी बैक टू पेट्रोल Coach PD was very happy, say well done. And that was the first kill with my petrol. Then the next one was 1952 at Jalan Bintong Pahang, Pahang Road. On the left hand side after the compound, there's a rubber state there. There was some information. This was the information by the tappers that bandits usually come and collect food from one of the tappers. So we went at night, late ambush. Early morning, 6 o'clock, 2 bandits walked front of us. We killed both of them. And
and we handed over the body to police. On 25th December 1955, between me and there was a fallen tree, big fallen tree there. So they were other side of the tree, I am in this side of the tree. Suddenly, we went, end of the tree, we came face to face. First man fired with the pistol at me, he missed. And he turned around and tried to run. I hit him at the back. When I turned on the left side, suddenly I saw another man aiming at me with a long gun. I can't have it. It's a Japanese gun. I can't have it. It's not a British gun. It is like my bullet, when I fired, my bullet went into his chamber. Bullet hit the iron. It was big spark. With the spark, his gun went down. The bullet come and hit in my feet. Then suddenly I fired about three or four bullets. The man was still standing. I thought at that time the Malays used to tell them, at the Ada Elmu, they are Sable Mati. So I checked my gun again and then and fired and aimed at his forehead and fired. When they fired forehead, then I saw his really hit and the blood started flowing from his head. The man then suddenly fell down. Fall down, he groaned. I went near there and put him another two bullets in the head. He died. That area was very close, now where the university hospital is. That time there was amnesty. There's a meeting between Tunku Abdul Rahman and Chimping. And those days, there we were instructed, we cannot fire any bandit, we must challenge them first to surrender. Odu Bada, Phir Aagya, 7 February 1959. Eh, Phir Chinese New Year aaya si. Odu Sara Sanu Pet Lag Gaya, Inne Kinne Bande Odu Toh. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਬੈਂਡ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਲੈਂਗੋ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਗੋ ਦਾ ਨੰਬਰ ਟੂ ਬੈਂਡ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਲਾਈ ਪੁਲਸੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਾੜੀ ਬੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰੀ ਆਈ ਗਾਂ ਹੋਈ ਰਫਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਕਰੀ ਫਿਰ ਪੈਕ ਪੈਕ ਉੱਥੇ ਪਈ ਅੱਜ ਪੈਕ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੌਲ ਚੂਬਾ ਨਿਕਲਦੇ ਚੌਲ ਚੂਬੇ ਕਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਲਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਰਖਾ ਸੀ ਉਹ ਗੋਰਖਾ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਗ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੀਫ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਤਾ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਾਂਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮਾਰ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੋਰੇ ਗਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਲੋਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੀ ਪੀ ਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਕੀਤਾ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਟਮਾਰੋ ਔਨਵਰਡ ਸਲੈਂਗੋ ਵਿਲ ਬੀ ਵਾਈਟ ਏਰੀਆ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਏ ਵਨ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਸਤਾਨਵੇਂ $70 ਮੇਰੀ ਸੰਦਕਾਰ ਸੀ $70 ਵੈਨ 1948 ਸਟਾਰਟਡ ਐਸ ਐਸ ਸੀ ਦੈਨ ਵੈਨ ਸਲੋਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟਡ 125 ਦੈਨ ਜਦ ਸਾਜਨ ਬਣ ਗਿਆ 175 ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਸਵੈਟ ਬਟ 200 290 ਦੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਮੈਕਸੀਮਮ 450 ਦੈਨ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੈਲਰੀ ਵਾਸ 295 ਦੈਨ ਆਈ ਰੋਡ ਟੂ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਵਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਰਮ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆਈ ਮਾਈ ਸੈਲਰੀ ਵਾਸ ਸੋ ਮਚ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਮਾਈ ਸੈਲਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੈਨ ਆਰਮੀ ਐਗਰੀ ਦੇ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਫੋਰ 450 ਦੈਨ 450 $25 ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦੈਨ ਪੇ ਰਿਵਿਊ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਗਈ 900 ਦੋ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਵੈਂਟ 1,100 ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ